लेकर अब खुलकर मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस युवा कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर धरना देते हुए डीएम को ज्ञापन सौंपा गया है और अनुष्का को हर हाल में न्याय दिलाने की मांग की गई है। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ओमवीर यादव के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष संकोच गौड़ के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में बैनर लेके जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्रा की हुई मौत के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर एवं सीबीआई जांच से कराए जाने की मांग करते हुए पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुँचे। कांग्रेसियों ने कहा कि जब तक छात्रा अनुष्का के हत्यारों को जिला प्रशासन गिरफ्तार नहीं करता है, कांग्रेस पार्टी अपना प्रदर्शन जारी रखेगी। इसके बाद कांग्रेसियों ने उप जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। इस मौके पर अभय प्रताप सिंह, आवेश विनय मिश्रा, पवन, अमित, रोहित, सौरभ आदि कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद। हम तो उस सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं जो सरकार नारा देती थी बढ़ चढ़ करके, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज पूरे प्रदेश भर में बेटियों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, उनकी हत्याएं की जा रही हैं और सरकार मौन है। हम तो सिर्फ और उस गूंगी बहरी सरकार को जगाना चाहते हैं कि 2 महीने पहले मैनपुरी में एक घटना हुई कि एक बेटी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। आज फिर दोहराई गई है वो घटना, एक बेटी की और वहाँ पर मौत हो गई है। उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, हमारी मांग है। उसके परिवार को सुरक्षा दी जानी चाहिए। उसके परिवार को धमकाया जा रहा है, उसको प्रेशर में लिया जा रहा है। ये तानाशाही अगर चलती रही तो बेटियाँ कहाँ सुरक्षित रहेंगी? उनके परिवारजनों को कौन धमका रहा है, कैसे मतलब? देखिए, ऐसी कोई बात मैं नहीं बता सकता कौन धमका रहा है, कैसे धमका रहा है। अगर मैं कह रहा हूं कि उनके परिवार पे प्रेशर दिया जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात है। हमारी मांग ये है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस प्रशासन तरह तरह की यहां पर अफवाहें फैला रहे हैं कि भाई बच्ची ने जो है आत्महत्या की है, उसकी हत्या नहीं की गई। अरे आप कैसे कह सकते हो उसकी हत्या नहीं की गई? 2 महीना पहले उसी स्कूल में एक बच्ची की मौत हो गई संदिग्ध हालात में, आज फिर एक बच्ची की मौत हो गई। क्या प्रशासन और सरकार इंतजार कर रही है कि 10-20 बच्चियां मर जाएं तब सीबीआई जांच हो? आखिर उस विद्यालय में मरती क्यों लड़कियां? अब उसी बात के लिए हम यहां पर बैठे हैं। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, उसी बात के लिए बैठे हैं। आदरणीय डीएम साहब के पास में हम आए हैं अपना ज्ञापन लेकर के। डीएम साहब कह रहे हैं कि 2 लोग अंदर आइए और ज्ञापन दे दीजिए। फिर ज्ञापन देने का क्या मतलब है? डीएम साहब बाहर तक नहीं आ सकते? हम तो बेटियों के लिए बैठे हैं यहाँ पर, हम तो बेटियों को सुरक्षित करने के लिए बैठे हैं। हम कोई राजनीति नहीं कर रहे यहाँ पर, हम तो बेटियों की सुरक्षा में बैठे हैं कि ऐसा कानून बने, डीएम साहब ऐसे सख्त निर्देश दें कि अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए, दोषियों को तुरंत जेल में डाल देना चाहिए और कोर्ट उन्हें सख्त से सख्त सजा दे। हम तो इसलिए बैठे हैं यहाँ पे। क्या लगता है शासन में बेटियां महफूज नहीं है? बेटियां कहाँ महफूज है? आप देखिए, आए दिन पूरे प्रदेश में आप मीडिया से सारे बंधु, आपको सब कुछ मालूम है। कहीं पर चिन्मयानंद स्वामी का नाम आ रहा है, कहीं पर सेंगर जी का आ रहा है, कुलदीप जी का, कहीं पर अलग तरह तरह के और कितने मामले हैं। अभी 2 बेटियां 2 महीने में यहाँ मार दी गई और पुलिस प्रशासन गलत तरीके की अफवाह फैला रहा है कि बेटी ने आत्महत्या कर ली। 11 फुट ऊंची दीवार पर एक 16 साल की बेटी 3 फुट के 2 फुट के स्टूल पर खड़ी होकर के ऊपर अपनी चुन्नी अपनी लत्ती को बांध सकती है, आप बताइए। और साक्षात सारे लिटा दी गए। मैं आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यह सीबीआई जांच होनी चाहिए।